सो वेलकम बैक टू माई चैनल कंसेप्ट इन डिटेल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम करेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप यूनियन। ठीक है, तो आई होप सभी को जो मैंने साथ करवाया होगा वो आप सभी को समझ लगा होगा। सो आज हम करेंगे ईयू। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो ये प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर इंट्रोडक्शन। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था कि जो यूरोप के नेशंस थे ना, यूरोपियन नेशंस थे ना सारे, उसकी तरफ जो वेटेज ज़्यादा थी, वेटेज ज़्यादा होने की वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या था, सभी जगह जो यूरोप की क्या थी, सुपेरिटी ज़्यादा थी। ठीक है, यूरोपियन नेशंस जो थे वो ज़्यादा जो है अपनी सुपेरिटी के कारण जो है सारे इंटरनेशनल रिलेशंस को जो वो जो इफेक्ट करते थे, है ना। बट कहते क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोप को जो था काफ़ी ज़्यादा लॉसेस थे जो है वो सफ़र करना पड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वॉर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हार चुके थे, उनकी इकॉनमी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी, जिसकी वजह से अब वो इतने पावरफुल और इतने जो है स्ट्रॉन्ग नेशंस वो नहीं रहे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं रही। ठीक है, जब वो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है ख़त्म हुई, जिसकी वजह से जो है अब यूरोप नेशंस जो काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए। तो कहते हैं जो अब जो है यूरोप नेशंस क्या करते थे, सभी जो अपनी जो भी उन्होंने खो दिया था, ठीक है, उसको रीगेन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोबारा से क्या किया कि यूरोप यूनियन बनानी। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि चलो यूरोप नेशंस बनाते हैं। यूरोपियन नेशन में उन्होंने क्या किया, अपने जो है सभी यूरोप के नेशंस को दोबारा जो है उन्होंने इकट्ठा किया और अपने और इस सभी एफर्ट्स के कारण उन्होंने क्या किया, अपनी नई जो है यूरोपियन यूनियन बनाई, जिसमें आज के टाइम पर क्या है टोटल 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये ज़रूर याद करना कितने मेंबर्स हैं यूरोप नेशन में, 27 नेशंस हैं पूरे यूरोप के। ठीक है, तो आज जो है एंड मैनी मोर, तो काफ़ी ज़्यादा और नेशन जो है आज के टाइम पे और भी ज़्यादा उनकी भी डिज़ायर है कि वो क्या करें, यूरोपियन यूनियन में आगे जाके उसके मेंबर बने। ठीक है, सो ये थी इसको इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उन्होंने फिर से वही कहा है कि कैसे जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हुई, उसके बाद क्या हुआ, जो यूरोप को था काफ़ी ज़्यादा लॉस करना पड़ा और उसके लॉसेस से जो है दोबारा से अपने सारे लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिक्स नेशन जो है वो इकट्ठे हुए। सिक्स नेशंस का अगर आपको नाम नहीं भी याद होता तो आपने क्या करना है, कुछ भी 2-3 एक्सेट्रा लिख देना है, फिर जैसे वेस्टर्न जर्मनी, इटली, ठीक है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, तो आपने एक्सेट्रा लिख देना है। ठीक है, तो पूरे जो है सिक्स नेशन सबसे पहले यूनाइट हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो हम एक यूरोप का जो है एक पूरी कॉपरेशन अच्छी करके एक यू ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप ये डेट रहने देना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं 1951 में क्या हुआ, दीज कंट्रीज ने क्या बनाया, यूरोपियन कॉयल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपने लिखना है क्या बनाया, यूरोपियन, ये जो मेन लाइन है, यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई। ठीक है, जो कि है जिसको प्रैक्टिकल शेप, जो एक पूरी अच्छी सी शेप है, वो कब मिली, उसको 1952 में मिली। ठीक है, तो 1951 में इन्होंने क्या किया, एक यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सभी वो 6 कंट्रीज ने मिलकर। ठीक है, तो उसके बाद जो उसको प्रैक्टिकल शेप कब मिली, 1952 में मिली। ठीक है, फिर लेटर उन्होंने क्या किया, 1957 में क्या हुआ, एक ट्रीटी जो है रोम में साइन हुई। ठीक है, रोम में साइन होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बनी, जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन है ईईसी, जिसका मतलब है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, और जो दूसरी बनी वो बनी ईएईसी। ठीक है, तो पहले बनी ईईसी, फिर बनी ईएईसी। तो ईईसी में तो मैंने आपको बता दिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और जो दूसरी वो बनी यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो ये दो बने, तो इन दोनों के बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनमें ऑब्जेक्टिव थे कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, ठीक है, जो भी गुड्स हैं उनकी मूवमेंट वो फ्री हो, ना कि उस पर टैक्स टैरिफ ना लगे। ठीक है, जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो भी फ्रीली जो है एक यूरोप कंट्री से दूसरी, जो भी यूरोपियन नेशंस थे उसमें एक दूसरे में जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, टैरिफ्स, ठीक है, वो एक दूसरे से फ्री जो है मूवमेंट हो सके। ठीक है, तो जो है अपनी जो है एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी उसका भी वो यूज़ कर सके। ठीक है, सो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे
मेंबरशिप क्या थी, मेंबरशिप के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती थी अगर आपने यूरोप कंट्री का मेंबर बनना है, यूरोपियन कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है। तो सबसे पहला है स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उस कंट्री का, जिस भी कंट्री ने अब मेंबर बनना है यूरोपियन यूनियन का, उसका क्या है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्टेबल हो, ठीक है। दूसरा है वो जिसके भी उस कंट्री में जितने भी ठीक है सिटीजन्स वगैरह हैं उसमें जो उसके ह्यूमन राइट्स है सिटीजन्स के, वो जो क्या हो वो रिस्पेक्ट करते हो अपनी ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। उसमें जो ह्यूमन राइट्स की जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। थर्ड है फेथ इन मार्केट इकोनॉमी। तो जो मार्केट की इकोनॉमी, जो मार्केट की इकोनॉमी है उसमें उनका फेथ होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एलिजिबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी। अब जो जो भी यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी की ऑब्लिगेशन है वो उसको क्या करें फुलफिल करने के एलिजिबल हो, ठीक करेंगे। इसके जो क्या थे मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन इसका एम है वो है, इसमें काफ़ी आई थिंक 15 to 16 एम्स नहीं है, आपने कोई 10 to 9 करनी है जो भी आपको इजी लगे हूँ, ठीक है। 10 to 9 बोल रही हूँ, 10 to 12 तो करें, ठीक है। अगर तो 15 वैसे तो एक एक लाइन के हैं, अगर आपको 15 के 15 हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ यही पूछा हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फैक्टर, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव 15 लिखोगे तो इट विल प्रेजेंट यूर पेपर वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टिबूरी सच डिस्प्यूट्स। तो कहते वो कहते जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं ना, जितनी भी डिस्प्यूट्स चल रही हैं, ठीक है, फॉर ऑल विच आर डेंजरस टू, ठीक है, जितनी भी ऐसी डिस्प्यूट्स हैं जो कि अगर कोई मेंबर बनने, मतलब जितनी भी सारी डिस्प्यूट्स हैं उसको जो है हम सभी को कम करें या ख़त्म करें, सो दैट जो ये आगे चल के जो है यूरोप की जो यूनिटी है सारी की उसके लिए डेंजरस ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दोस्त समझो बेल्जियम और लग्जमबर्ग में जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट चल रही है, क्योंकि ये दोनों जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, ठीक है, दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चलती है तो कहते हैं उसे जल्दी से जल्दी जो है हम खत्म करें, सो दैट की जो कल को ये जिसकी यूनिटी है यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन यूनियन की यूनिटी है उसको जो क्या करे आगे जाके इफेक्ट ना करे, ठीक है। सो द सेकंड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट में लिखा है तो जो भी उसकी एक जो अपनी ग्लोरी अपनी एक सुपर जो सुपीरियरनेस थी जो उसको वो अब ख़त्म कर चुके हैं यूरोप जो है उसको दोबारा से अब रीस्टैब्लिश कर सके, जो भी उसने अपनी ग्लोरी जो है अब ख़त्म कर दी है आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसको अब दोबारा जो है वो अपने स्टार्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थर्ड पॉइंट है टू एस्टैब्लिश न्यू। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम न्यू ऐसा एक नया इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, सो दैट क्या हो जितने भी सारे टैरिफ्स वगैरह हैं वो अब हम रिमूव कर दें, सो दैट कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो ईजी हो सके इन द यूरोपियन नेशंस, ठीक है। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ कि अब हम ऐसी जो है सभी एग्रीकल्चरली जो भी एग्रीकल्चर पॉलिसी होगी वो सभी यूरोपियन नेशंस के लिए कॉमन होगी, सो दैट कि एग्रीकल्चर जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस्टेब्लिश द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल यूनियन ऑफ द यूरोपियन नेशन। और यूरोपियन नेशन जितने भी यूरोप के नेशंस हैं उनके लिए क्या करेंगे, हम एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल यूनियन इस्टेब्लिश करेंगे, सो दैट की जो है आपस में एक यूनिटी बने रही है। अगर कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो इन दोनों को जो है वो टैकल कर सकें, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड कॉमन, अभी सभी जैसे हमने देखा होगा कि जितने भी सभी यूरोपियन नेशंस हैं उन सभी में एक ही जो है करेंसी में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उनमें सिर्फ एक ही करेंसी होती है वो होती है यूरो, ठीक है। तो यूरो में जो है इधर लिख देती हूँ, तो यूरो में जो है सारा जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, तो कहते हैं हम सभी की एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी और डिफेंस पॉलिसी, सभी जो यूरोप नेशंस होंगे अब हम क्या करेंगे सभी जो कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी के लिए जो है एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी और एक डिफेंस पॉलिसी भी कॉमन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वो क्या करेंगे, कॉमन लेबर्स लॉ, सभी जो मेंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं उनके जो लेबर्स हैं लेबर के लिए जो है सभी के लिए एक कॉमन रूल लॉज वगैरह जो क्या करेंगे वो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेनली वो कहते क्या करेंगे कि अगर कल को कोई भी ऐसी इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं किसी भी कंट्री में तो क्या करेंगे, वो पूरा ट्राई करेंगे कि उनमें कोऑपरेशन की जो है हम पॉसिबिलिटीज़ जो में जो है हम कोऑपरेशन जो है बढ़ा सके और जो उनकी सोशली जो जुडिशियल प्रोविजन है उसको हम स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या करें, सभी अभी यूरोपियन यूनियन का जो कि सभी इतने सारे मेंबर है, ठीक है, इतने सारे मेंबर ने अब क्या करना है, अब डील भी करना है ना, पैसों का डील भी करना है। तो पैसों को डील करने के लिए उन्होंने एक यूरोप का ही एक अपना सेंट्रल बैंक बना दिया जो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेबर्स यूनियंस वगैरह बना दिए जो कि अगर कल को कोई प्रोविजन ऐसे आ भी जाते हैं कि लेबर के लिए कोई कंट्रीज ऐसे हैं जो लेबर के लिए गलत काम कर रही हैं उनको उनके एक्सप्लोइट कर रही है
बैठ के यूरोप लेबर यूनियन के लिए जो है लड़ सके। ठीक है, अभी जो है आगे है कॉमन पॉलिसीज होंगी सभी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। ऐसे नहीं कोई एक कंट्री पेमेंट के लिए कोई एक कंट्री कोई और यूज़ कर रही है मैकेनिज्म को, दूसरी कंट्री कोई और मैकेनिज्म यूज़ कर रही है, नहीं, सभी कंट्रीज़ के लिए जो कॉमन पॉलिसी सभी कंट्री के लिए जो पेमेंट की पॉलिसीज होगी फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो कॉमन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यूरोपियंस का वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होगा। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी अगर इम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम है तो ये क्या करेंगे इम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टूरिज्म को इंक्रीज करेंगे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि जल्दी वीज़ा ना लगाएं। ठीक है, ये एक कंट्री के दूसरी कंट्री के घूम ना सके तो कहते मेनली वो क्या करेंगे, टूरिज्म को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म को अगर इंक्रीज करेंगे उनका भी फायदा होगा, उनके पास पैसे भी तो आएंगे, है ना, वो उस कंट्री में आके खर्चा वगैरह करेंगे, उनसे चीज़ें खरीदेंगे, है ना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड वीज़ा फ्री एंट्रीज, मैंने बोला कि फ्री वीज़ा रखेंगे कि यूरोप नेशंस के जो भी सिटीजन्स हैं वो पूरे यूरोप की कंट्रीज़ में ईजिली जो है आ जा सके, ऐसा ना हो कि उनको वीज़ा लेना पड़े फिर उनको जाना पड़े और वीज़ा जल्दी मिलता भी नहीं है कई बार, है ना, तो ऐसा ना हो वो आराम से जो है एक दूसरी कंट्रीज़ में जो है यूरोप की सारी कंट्री में आराम से घूम सके। ठीक है, टू वर्क फॉर पोलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप की, वो पूरा काम करेंगे सो दैट के जो पूरा यूरोप है वो इंटीग्रेट जुड़ कर रहे। ठीक है, सारी जो कंट्रीज़ है वो आपस में जुड़ के रहें, उनमें कोई भी जो है कल को मतलब यूनाइट करके वो रखें। ठीक है, अभी ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे ये एक्सपेंशन, इतनी ज़रूरी नहीं, मतलब हाँ इतना एक्सपेंशन सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब टिपिकल से है कि इतने ईयर को ये हुआ, इतने ईयर को ये वाली कंट्री, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज ईयर्स एंड पर्टिकुलर कंट्रीज़ की, ये वाली कंट्री आई, सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। अगर तो किसी को हो रहा है या तो इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, बट अगर किसी को नहीं हो रहा तो ऐसे ये नहीं कि इस नंबर कम हो जाएंगे, नो लाइक दिस, आपको अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप एक दो ईयर्स याद कर लो जो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें ज़्यादा सारी कंट्रीज ऐड हो रही हैं, तो बस वो करना, अदरवाइज सारे याद करने के लिए नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या लिखा है कि वैसे मैंने अंडरलाइन कर लिया है, ठीक है, बेसिकली मैंने क्या लिखा था, टाइम के बीतने से क्या हुआ, होली होली क्या हो रही है, सारी कंट्रीज है जो उसको ज्वाइन करनी है शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे इतने एफर्ट से वो ग्रो हो रहा है, तो सभी कंट्रीज़ को होगा कि नहीं अब हम इसमें जाके ज्वाइन करेंगे क्योंकि उन कंट्रीज़ का भी फायदा होगा। हुआ, सारी कंट्रीज़ को ज्वाइन करनी शुरू होगी। सबसे पहले 1973 में डेनमार्क और एक दो कंट्रीज़ के नाम लिख दो, ये दोनों मिलकर जो क्या किया, इन्होंने क्या किया, अभी इसको यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। देन कहते इसके बाद में जब सोवियत यूनियन जो इंटीग्रेट हुआ, मैंने पहले भी बताया था ना जब हमने किया था कब हुआ था सोवियत यूनियन, ये मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो जब वो ब्रेक हुआ तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ठीक है, तो जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, सारे नेशन जो हैं काफ़ी ज़्यादा टूट गए, तो उनमें से काफ़ी सारे नेशन भी कह रहे हैं अब यूरोपियन यूनियन का जो है वो पार्ट बन गए। ठीक है, फिर बाद में टर्की ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, अभी फिर होली होली करके इसमें अमेरिका कनाडा वगैरह ये सारे जो है इंडिया ये सारे इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है वो बन गए। ठीक है, बस इतने के एक्सपेंशन करना, एक टू टू लाइंस, बस इसकी हेडिंग थोड़ी अच्छी से बना देना सो दैट कि जो है एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ इसने एक्सपेंशन भी इसका लिखा है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम इसके करेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन। जैसे हमने साग का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया था, है ना, अब हम करेंगे ईयू का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी बड़ा इजी है। ठीक है, आपने इसमें जो कुछ पॉइंट्स है बड़े डिफ़िकल्ट लिए हैं, तो आपने उसको देख के घबराना नहीं है, आपने जो है मैं आपको जितना का मैं आपको बताऊंगी ना आपने बस उतना ही लिखना है और उसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो बस फिर आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईजी हो जाएगा। कुछ जो है इसमें पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिफ़िकल्ट करके दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थोड़ी सी जो है PDF थोड़ी सी ख़राब सी है, बट मैं आपको जो है क्लियरली थोड़ी शेयर करूँगी, एक्चुअली पेज इसके थोड़े ऐसे तो जो है PDF जो अच्छे से आ नहीं थी रही। ठीक है, तो मैं आपको जो आप अभी समझ लो। ठीक है, सेंड मैं जो है आपको एक क्लियर वाली जो है PDF वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है यूरोपियन कमीशन। ठीक है, तो यूरोपियन कमीशन क्या है, यूरोपियन कमीशन जो है कहते टोटल जो है 28 मेंबर्स की जो है ये कमीशन है। ठीक है, जो कि यूरोपियन जो यूरोप का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके जो है अप्रूवल से ये यूरोपियन कमीशन जो है बनती है। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 ईयर का ड्यूरेशन है इसका, बस 2 ईयर का जो है इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, जो इसका
मेन प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो कहते हैं इसका सिर्फ वन प्रेसिडेंट होता है और इसका वन जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि इसके द्वारा अपॉइंटेड होता है, क्योंकि जितनी भी सारे मेंबर्स हैं सभी पार्टीज के साथ जितने भी सारे इसके मेंबर हैं उन सभी के जो है अप्रूवल के से ही ये जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कहते हैं जो यूरोपियन कमीशन है ना, अब इसका ये सबसे पहले नंबर पर है ना, तो इसका मेन काम, ये सबसे ज़्यादा मेन काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सभी एज अ वॉच डॉग काम करता है, मतलब सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो बनाई है, ठीक है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कौन देखता है, वो ये देखता है, ठीक है। और जो अगर सभी कंट्रीज जो हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रहे, वो ये देखता है, ठीक है। मेनली ये मेन काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो कहती है ये सभी का ये चीज़ों का ध्यान रखता है कि सभी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही हैं, जो उसका चार्टर है यूरोपियन यूनियन का उसके अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर इसको कोई भी मैटर ऐसा है जो काफ़ी बड़ा है या काफ़ी सीरियस मैटर है, तो वो हो सक तो वो क्या करता है, जो यूरोप की कोर्ट है, ठीक है, यूरोपियन कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो उसके पास भी लेके जाता है, ठीक है, सो दैट की जो मैटर है वो जल्दी से सोल्व हो जाए, जो इसकी जो यूनिटी है यूरोपियन यूनियन की उसमें जो है कोई भी जो है हर्डल ना आए, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यूरोपियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी सेकंड पॉइंट है यूरोपियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कहते हैं ये कब बना, ये 1974 में जो है ये वाली जो है कमेटी बनी। इसमें क्या होता है, कहते हैं सारी हेड्स ऑफ द स्टेट जो भी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके हेड्स ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नमेंट के हेड्स क्या करते हैं, मिलकर जो है इसमें काम करते हैं। तो जो कहते हैं इसका प्रेजिडेंट है वो द प्रेजिडेंट होता है, जो प्रेजिडेंट होता है किसका, यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कमीशन का जो प्रेजिडेंट होता है वो ही इसका प्रेजिडेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना, जो उसका प्रेजिडेंट होता है वही इसका प्रेजिडेंट होता है। और जो इसके जो सभी कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं ना, ठीक है, वो भी जो है इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो सभी के मेजोरिटी से जो है वो चूज़ होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और कहते हैं कि ये जो हर 6 मंथ्स के बाद जो है वो चेंज होता है, और हर एक हेड्स ऑफ द कंट्रीज़ को क्या मिलता है, मौका मिलता है इसका प्रेसिडेंट बनने का, टर्न बाय टर्न, ठीक है, टर्न बाय टर्न सभी जो है इसके मेंबर बनते हैं। और ये जो है इसकी मीटिंग जो है ट्वाइस अ ईयर होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। अभी कहते हैं इसकी अभी एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में यूरोपियन नेशन से कहते हैं एक अलग ईयू में जो है एक अलग पार्लियामेंट भी होती है, जिसके टोटल 626 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो है डायरेक्टली क्या किए जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स ऑफ नेशन के साथ डायरेक्टली जो है ये सिलेक्टेड होते हैं, कहते हैं। और काफ़ी सारी पोलिटिकल पार्टी जो क्या करती है इसमें पार्ट लेती हैं, ठीक है। और इस टोटल जो है इसमें जो है 99 मेंबर्स, ठीक है, 99 मेंबर्स जो क्या होते हैं वो जर्मनी से होते हैं, कुछ के याद रख लेना, ठीक है, जैसे 2-3 के याद हैं, जो 90 मेंबर्स जो जर्मनी के होते हैं, और 87 मेंबर्स जो होते हैं वो फ्रांस, इटली और इंग्लैंड के होते हैं, एक्सेट्रा कर देना, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है, एडवाइस देती है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो भी उसके लेजिस्लेटिव प्रपोजल होते हैं यूरोप ईयू में, ठीक है, तो पार्लियामेंट उसको क्या करती है, एडवाइस करती है कि आप ये वाला लॉ पास कर लो, आप वो वाला लॉ पास कर लो, ठीक है। तो कहते हैं कितने भी इंटरनेशनल, अगर हमने किसी के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी किए हैं तो उसको भी अप्रूवल कौन देता है, ईयू की जो पार्लियामेंट है वो जो क्या करती है इसको अप्रूवल देती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी। अभी ये भी जो कहते हैं काफ़ी अच्छा वर्क करती है, कौन, यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी, ये भी कहते काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 222 मेंबर्स होते हैं, मेंबर याद तो हो गए आपके, किसी के मेंबर याद कर लेना, अगर सभी के मेंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे मेंबर याद करने थोड़े डिफिकल्ट तो होंगे ही होंगे, है ना। तो 222 जो है इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं मेनली ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, ठीक है, ये मतलब इसके नाम से देखो यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी, मतलब सोशली जो है ये काम सोशली काम करती है ये वाली कमेटी, और इकोनॉमिकली काम करती है, ठीक है। सोशली हो गया जैसे ट्रेड यूनियंस, ठीक है, कंज्यूमर के लिए काम करती है, एम्प्लॉयर्स के लिए काम करती है, ठीक है, उनके लिए काम करती है, उनके लिए अगर किसी के मतलब किसी कंट्री में लॉज वगैरह अच्छे नहीं हैं एम्प्लॉयर्स के, कंज्यूमर्स के, तो उसके लिए ये वर्क करती है, ठीक है। कोई भी जाके कल को यहाँ इसमें इस कमेटी में जाके बात कर सकता है कि नहीं हमारी कंट्री में हमारे तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए लॉज अच्छे नहीं, इसको प्लीज़ आप थोड़ा देखो चेक करो, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी कहते हैं इसके लिए वर्क करती है ये वाली कमेटी, ठीक है, इकोनॉमिकली भी ये करती है कमेटी। तो इसके लिए कहते हैं इकोनॉमिकली वर्क करने के लिए इसकी सेपरेट कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है, ठीक है। कंसल्टेटिव किसकी बनाई है, कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है किसके लिए, इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक काम करने के लिए एक स्पेशल जो है कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है, इसके भी मेंबर चाहे रहने दो, ठीक है, जो किसके लिए काम करती है, लेबरर्स, कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स के लिए भी काम करती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोर्ट का जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट अगर किसी में भी मेजर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो वो उसमें जाके सॉल्व अपना करवा सके, ठीक है। तो इसके जजेस जो है आप प्लीज़ याद कर लेना, इसके 15 जजेस होते हैं, ठीक है, तो 9 जजेस याद कर लेना बस, ठीक है, 9 एडवोकेट जनरल्स होते हैं, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर याद रखना, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में है जो इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। कि तो कहते हैं इसके जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट, जो जितने भी इसके मेंबर हैं उसके हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेनली जो है
म्यूचुअल कंसल्टेशन की सभी से ये हेड इनके बनते हैं। उनका कितने ईयर का टेन्योर होता है, 6 ईयर का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। आगे अगर ठीक है, इसमें आप वो ही लाइन लिख सकते हो कि अगर जो है उसकी भी उसी की लाइन लिख सकते हो आप यूरोपियन कमीशन की, अगर कल को कोई भी इश्यूज होता है तो यूरोपियन कमीशन क्या करती है, कोई भी इशू जो है अपना वो क्या कर सकती है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकती है और सभी को जो है इसका इसने जो भी फैसला दिया है, इसने डिसीजन लिया है, सभी को जो है इसका डिसीजन मानना ही पड़ता है और ये किसी को भी फाइंस वगैरह लगा सकते हैं अगर कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, अभी ऑडिटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कहते ये ऑडिटर्स इसमें कितने सारे, इसमें टोटल 15 मेंबर्स ऑफ द, जिसमें टोटल 15, जैसे 15 जजेस हैं, 15 ही जजेस हैं ना, आई थिंक सो, हाँ जैसे 15 जजेस हैं वैसे 15 जो है ऑडिटर्स हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है, ऑडिटर्स का जो चेयरमैन होता है वो क्या करता है, कोई भी ऐसे स्पेशल पावर जो है वो नहीं यूज़ करता है, उसके स्पेशल पावर नहीं होती कि कोई भी फाइन वगैरह इम्पोज कर सकता है, नहीं, ठीक है। तो कहते हैं मेनली ये क्या करता है, जितनी भी इनकम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है ईयू में, वो उसका सभी का जो काम कौन देखता है, वो कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स इसका काम देखते हैं, ठीक है। कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉपर एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए ये इन्होंने जो है। सेवन पॉइंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, अब सभी जो है अपने फ्यूचर के लिए, ये वाले यूरोपियन यूनियंस क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए अपनी है इन्वेस्टमेंट्स भी करती हैं, है ना। तो इसमें जो है, इसमें जो आपने क्या करना है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने आपने सिर्फ 2-3 लाइन लिखनी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट है, तो इसके लिए अगर आप ये सारा याद करोगे तो आप थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपने सिर्फ इसकी 2-3 लाइन्स लिखनी है। जैसे कहते हैं इसका मेन फंक्शन है कि कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना कोई भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई भी हमने फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है, तो उसमें जो है मतलब उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी ने इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो उसमें कंट्रीब्यूट करना, कोई भी डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड रीजन है उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करना, सो दैट कि वो अच्छे से डेवलप्ड हो सके, ठीक है। कोई भी हम न्यू एक्टिविटी हमने शुरू की है जिससे हम कल को हमारा जो यूरोपियन नेशंस है, ठीक है, जो ईयू है वो डेवलप हो सकता है, तो उसमें जो है जाके कॉन्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी लॉज, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है बेसिकली कहते हैं ये वाली जो है कमेटी क्या करती है, ये लॉज बनाती है, किसके अकॉर्डिंग लॉज बनाती है, जो भी है ट्रीटीज़ वगैरह हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूएसए और ईयू वाली कंट्रीज़ ने कुछ भी आपस में ट्रीटी वगैरह साइन की है, ठीक है, तो इसने अगर कहा होगा कि आपने जो है मतलब अगर इसने जो है आपके ऊपर इसने जो है कोई भी ऐसी ट्रीटी वगैरह की होगी कि आपने जो है इतने परसेंट से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, वो एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ तो हाँ, तो ये इन दोनों की जो है वो ट्रीटी साइन हुई पड़ी है, ठीक है। अब कल को जो है ये ऐसा काम मतलब ये कोई सारी कंट्रीज क्या करें मतलब ये काम ना करें, है ना, ठीक है। तो इसके लिए जो है मेनली लॉ बनाना पड़ता है सो दैट कि सारी कंट्रीज उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें, है ना। तो ये इसके जो ट्रीटी साइन हुई इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई, जो रूल्स वगैरह बने हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही रूल बनाएगा ये वाली कम्युनिटी, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो रूल बनाएगा, कम्युनिटी लॉज बनाएगा, ठीक है। ये वाली कम्युनिटी जो है वो लॉज बनाएगा इसी के अकॉर्डिंग कि हाँ सभी कंट्रीज जो है वो इतने परसेंट में ही जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है, सो दैट सारी कंट्रीज इक्वली वर्क करें, ऐसे ना हो कि सिर्फ ऐसे बोल दो कि हाँ तुम ऐसे काम करो तो, ठीक है, नहीं, पूरे लॉज बनेगा इसके ऊपर ट्रीटीज के अकॉर्डिंग, दैट सो दैट उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी कंट्रीज वर्क करें एंड सभी कंट्रीज के लिए एंड सभी कंट्रीज जो है आर बाउंड टू एक्सेप्ट, ठीक है, सभी कंट्रीज को ये जो लॉज बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे हैं कहते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड यूरोपियन कमीशन कैन गिव देयर रिकमेंडेशन बट द मेंबर्स नेशन आर, कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो यूरोपियन कमीशन हैं वो रेकमेंड कर सकते हैं कल को कि तो ऐसे लॉ बना वैसे लॉ बना, बट अगर इसने कोई ये लॉ बना दिया तो सभी नेशंस हैं उसको आर बाउंड टू, है ना, ओबे दिस लॉ, तो सभी को है ये जो उसने लॉ बनाया उसको अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये रहने दो, इतना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। देन है सो आपने ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये वाला कुछ भी करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने अब क्या करना है, कंक्लूजन करना है, ठीक है। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन ये वाला मत करना, ये बड़ा ही ज़्यादा गंदा कंक्लूजन जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ऐसे मैं आपको बताती हूँ, आपने मेंस क्या क्या लाइन लिखना है, आपने बस 4-5 लाइन का कंक्लूजन लिखना है, इससे बड़ा कंक्लूजन कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। आपने लिख देना है दस वी कंक्लूड दैट, फिर आपने लिख देना कि कैसे जो यूरोप था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बिल्कुल ही गिर गया, ठीक है, उसकी जो ग्लोरी है वो
बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। तो उसको अपनी खोई हुई ग्लोरी, द लॉस्ट ग्लोरी को उसको दोबारा रीजनरेट, री इस्टेब्लिश करने के लिए उसने क्या किया, EU के एस्टेब्लिशमेंट किया, कब किया वो लिखना है, एंड उसके प्रेजेंट मेंबर्स लिखने हैं। प्रेजेंट मेंबर्स लिखने के बाद, प्लेजेंट मेंबर्स लिखने के बाद आपने लिख देना है कि इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा कैसे हुआ, देन आपने लिख देना कि ये अब इतने एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ये EU को एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए इन्होंने एक वेरियस कमिटीज़ बनाई, सो दैट वेरियस डिपार्टमेंट जो है अपना अपना काम संभाल सके और उसको एफिशिएंटली वर्क करवा सके, ठीक है। और जो मेन काम करता है वो काम करता है, यूरोपियन कमीशन जो है मेन काम करता है वो सभी के ऊपर है, जो है एज अ वॉच डॉग काम करता है। इस वॉच डॉग को आपने हाईलाइट, अच्छे से हाईलाइट करके लिखना है कि ये वॉच डॉग एज अ वॉच डॉग काम कर रहा है, ठीक है। देन फिर आपने लिखना है कि मतलब ये इनके लिए कोर्ट भी बनाई गई है सो दैट कि अच्छे से काम कर सके, एंड दैट्स इट। फिर बस उन्होंने आपने इसको ख़त्म कर देना, फुल स्टॉप लगा देना है। अब बस आपने लास्ट में ये लाइन ले देनी कि अब ये जो है बड़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। ये कंक्लूजन लिखना है, इन्होंने बड़ा गंदा सा कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको जो फैक्टर्स हैं और इसका एक्सपेंशन है वो समझ लगा होगा, है ना। प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर किसी को और भी कोई टॉपिक में है जो डिफिकल्टी लग रही हो या आपको कुछ नहीं पता लग रहा हो, देन आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल।